करना चाहूंगा, इससे एक मौका और मिलेगा, एक कुर्सी जिस पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी कोई बैठ सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली प्रवास से लौटते ही आज राजधानी भोपाल में आनंद व्याख्यान कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है। दरअसल वे राज्य आनंद संस्थान द्वारा आयोजित आनंद व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री उद्योगपति और बड़े लोगों के ठाठ होंगे, लेकिन असली आनंद तो झोपड़ी में ही है। मंत्री ने जाते हुए सामने रखी कुर्सी पर इशारा करते हुए कहा कि अब माननीय मुख्यमंत्री लिखी कुर्सी खाली है, जिस पर कोई भी बैठ सकता है। अब उनको जो आनंद मिला मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं। आपको मैं हंस पड़ा। आप किसी की मदद करके हम लोगों ने कई योजना बनाई, इसमें मुख्यमंत्री बाल हृदय, इसमें जिन बच्चों के हार्ट में छेद अभियान चला है कि इनका एक साथ इलाज किया जाए, कितना पैसा खर्च होगा करें। जो कान से सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं पाते, फिर ऐसे दिव्यांग भाई बन रहे। हमने बाल श्रवण योजना चलाई। आप कल्पना नहीं करते जब उन बच्चों में से कोई आता है कि तो मामा जी ठीक हो गया, तो मामा के आनंद की कोई कल्पना कर सकता है का? उसी में जिंदगी की सार्थक, और इसलिए आज आनंद के लिए इकट्ठे हुए। आनंद उद्बोधन होगा, बाद में फिर अल्प विराम जैसे बाकी कार्यक्रम, विचार विमर्श, और उसमें से भी आनंद ही निकलेगा। आइए दुनिया से कष्टों का, क्लेशों का, दुखों का नाश करें, भी आनंदित रहे और दुनिया का आनंद भी बढ़े। इसी निवेदन के साथ स्वामी जी से एक अनुमति चाहते हुए, मेरे आज झाबुआ में, अधिराजपुर में कार्यक्रम है, चार जगह कार्यक्रम, और वो भी आनंद बढ़ाने वाले कार्यक्रम है जनता के। बहुत इच्छा थी आपको सुनने के लिए, लेकिन आज देर हो गई, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सुनूंगा, लेकिन थोड़ा सुनने के बाद फिर बीच में से उठना और अशिष्टता होगी, ध्यान बटेगा भी, और क्या आप अनुमति देंगे तो आपको प्रणाम करते हुए मैं निकलना चाहूंगा। इससे एक मौका और मिलेगा, एक कुर्सी जिस पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी कोई बैठ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।